सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने बाजार में औचक निरीक्षण किया और लोगों को रेट लिस्ट लगाने और घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल उपयोग में न लाने की सलाह दी। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दुकानों और ढाबों का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि विभाग द्वारा औचक निरीक्षण से जैसे बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदार विभाग अधिकारियों के समक्ष ही रेट लिस्ट बनाकर टांगते नजर आए, जिन्हें विभाग ने चेतावनी देकर ही छोड़ दिया और भविष्य में नियमों की पालना करने की सलाह दी। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि विभाग द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है, लेकिन सोलन के व्यापारी नियमों के अनुसार ही व्यापार करते हैं और किसी भी तरह से नियमों की अवहेलना नहीं की जाती है, इसलिए उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि सोलन का व्यापार मंडल विभाग की कार्यवाही में हमेशा सहयोग करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर ढाबों में व्यावसायिक सिलेंडर उपयोग में लाए जा रहे हैं और ज्यादातर दुकानों में रेट लिस्ट लगाई गई है। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के अधिकारी जो बाजार में जिन्होंने चेकिंग की है घरेलू सिलेंडरों की या सब्जियों की दुकान के रेटों की या हलवाई की दुकानों की रेटों की, तो ये तो रूटीन का काम है और हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं कानून का पूरा पालन करते हैं, ना कोई घरेलू सिलेंडर यूज कर रहा है, सभी कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं और बाकायदा जो सब्जी वाले हैं और मिठाई वाले सभी ने अपनी रेट लिस्टें दुकान पर लगा रखी है, इससे किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है। अगर अधिकारी जो है अगर चेकिंग करते हैं दुकानों की आके रेट लिस्ट वगैरह की और सिलेंडर की, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे व्यापारी कानून के अंदर ही काम कर रहे हैं सोलन शहर के।